पर दुल बुरुचिला के हमने यहाँ उद्घाटन कर रहे हैं। आज वो पार्क बरकरार है उन्हीं के नाम पर। साथियों, संघर्ष करने वाला होना चाहिए, साथ में तो आदमी मिल ही जाते हैं। आज तक हमने अपने को हार नहीं माने कि हम अकेला हैं कि मेरे साथ सैकड़ों आदमी हैं कि हजार आदमी हैं। आप लोग अप्रोच में ही कॉलोनी बसा हुआ है। हमारे स्वर्गीय रामचंद्र पासवान आए थे, बुद्ध विहार कॉलोनी यही पीएससी के पीछे है। आप लोग देखे, एमपी किसी को हमने छोड़े नहीं, प्रशासन जिला प्रशासन को भी नहीं छोड़े। गांधी बने थे, आप लोग देखेंगे हम जब गांधी बने थे तो गांधी बन के पैदल लाठी लेके गए थे, पूरा उत्तर प्रदेश में वीडियो चला था। ये परले धोती पहने थे, मुड़ी उड़ी सब छिलवाते थे, टूटा हुआ चश्मा था, सारे पब्लिक सारे गाड़ी वाले देख के हंसते थे। लाठी पर नगर निगम के कार्यालय पर जब गए, आज जब आया मुख्य अधिकारी बोला कि ये आप क्या किए हैं, हमें गांधी जी ऐसा ही आंदोलन किए थे देश के आजाद करने के लिए। और उस समय गांधी जी ने एक नारा दिया था कि अल्लाह ईश्वर तेरा नाम सबको सलमत दे, भगवान पति पतावन सीताराम। तब जाके देश आजाद हुआ था। हमारे नेता सुभाष चंद्र बोस वो क्या बोले थे कि आप हमें खून दो हम तुम्हें आजादी देंगे। तो साथियों, यही हम आप लोग से बार बार कहते हैं कि आप हमें साथ दो, आपको हम कॉलोनी देंगे। साथ नहीं देंगे तो अकेला चाना भाड़ नहीं फोड़ता है। महापुरुषों के बात हमें याद है कि महापुरुषों ने कैसे लड़ाई लड़ा है। हमारे स्वर्गीय रामविलास पासवान ने साइकिल पर विधानसभा के चुनाव लड़े थे और साइकिल से चुनाव जीत करके अब पटना में गए थे, वो भी हमें याद है। संसद भी बने थे पार्ले। और हमारे पूरे देश में 32 प्रदेशों में दलित सेना के अध्यक्ष हैं और जिला लेवल पे और ब्लॉक लेवल पे कमेटियां हैं, लोग हैं, जुड़ रहे हैं, काम कर रहे हैं। आप सभी के हम साथ में हैं, आपकी हर लड़ाई। केंद्र के लोग, हमारे माननीय नेता पशुपति कुंवर पारस जी जो हमारे अध्यक्ष हैं राष्ट्र के, हम सब आपके साथ और आपके सहयोग के लिए हमेशा तैयार हैं। मैं साथ धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो इस तरह से मदद कर रहे हैं और दलित सेना के लोगों की मदद कर रहे हैं। इसी छोटे यही कहना है कि एकता में बहुत बल होता है। यदि हम संगठित हैं और हमारा एक संगठन है, अगर हम संगठित होकर चलेंगे तो कोई भी ऐसा नहीं है कि हम हार सकते हैं, क्योंकि एकता में बहुत बल होता है। और बस यही है, अगर आपके लिए हम कोई लड़ाई लड़ रहे हैं, दलित सेना लड़ रही है, तो आपको भी साथ देना होगा, क्योंकि संगठन से ही बहुत बड़ा बल मिलता है। एक व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है ना। तो बस यही है, बाकी आपको सब कुछ अवगत करा ही दिया है, बाकी थैंक यू। मतलब सम्मिलित लोगों से ये कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, तो मैं सबका स्वागत करती हूँ और सबको धन्यवाद देती हूँ यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को। बाकी मेरा यही संदेश है कि सब लोग मिलजुल कर रहें, जैसे एक संगठन में मिलजुल कर रहते हैं, मिलजुल कर रहने से ही कार्यों को संपन्न होने की संभावना रहती है। तो सभी मिलकर काम करें, सभी मिलकर आगे बढ़ें एकता के साथ। जैसे दो संगठन मिलकर एक साथ काम कर रहे हैं, ऐसे एक सामाजिक तरीके से सब लोग मिलकर आपस में प्रेम भाव के साथ काम करें और अपने अपने कार्यों को सफल करवाएं। धन्यवाद।